हाय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ महेंद्र पांडे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के सी आई टेली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा लेज़र हम कैसे क्रिएट करते हैं, लेज़र की पार्ट ऑफ विंडो, लेज़र कई टाइप के बेसिक्स में सारे टाइप के लेज़र्स आपने पढ़ा, जैसे पर्ची सेल्स, पार्टी लेज़र, एक्सपेंसेस लेज़र, इनकम लेज़र एंड बैंक से रिलेटेड लेज़र्स हम कैसे क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें आपने पार्ट वाइज कई सारी क्लासेस में लेज़र को पढ़ा। डियर स्टूडेंट, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि मेरा अगला टॉपिक होगा बिल वाइज डिटेल, बट मैं उससे पहले आप लोगों को बाउचर क्रिएशन विंडो के बारे में बताना चाहता हूँ। बाउचर हम कैसे क्रिएट करते हैं, बाउचर को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं बाउचर विंडो में, वो हम सारा कुछ आपको आज बताएंगे, बाउचर के प्रकार भी बताएंगे। तो इसलिए ये क्लास जो होगी वो केवल बाउचर का एक इंट्रोडक्शन टाइप में होगा। बाउचर क्रिएशन विंडो, हम कहाँ से बाउचर में इंटर करते हैं, कहाँ से हम बाउचर को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, बाउचर्स हम कैसे बनाते हैं, हम जो बनाए गए लेज़र खाते हैं उस पर हम ट्रांजेक्शन्स किस प्रकार से देते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए बाउचर विंडो बताना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आपको बेसिक, चूँकि मेरा स्टार्टिंग का ही कमिटमेंट है कि हम आपको हर एक चीज़ डीपली बताएंगे, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि इसमें आपको डीपली आपको बाउचर विंडो से रिलेटेड नॉलेज हो और बाउचर को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं बाउचर में, ये सारा कुछ नॉलेज आपको हो। इसलिए ये एक वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है डियर स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें डियर स्टूडेंट्स, और हमारे इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के पास, अपने मित्रों के पास इसे शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैली की क्लास को अटेंड कर पाएँ। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं अपने टैली की स्क्रीन पर और देखते हैं आगे हम वाउचर क्रिएशन कैसे करते हैं। आप देख पा रहे हैं हम आ चुके हैं अपने टैली की स्क्रीन पर, और इसमें गेटवे ऑफ टैली पर मेन मेन्यू में हम हैं। पीछे आपने अकाउंट्स इन्फो पढ़ा, जिसमें आपने ग्रुप पढ़ लिया, लेज़र पढ़ लिया। डियर स्टूडेंट्स, बाउचर टाइप, बाउचर टाइप एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें बाउचर जैसे ग्रुप क्रिएट रहते हैं पहले से, ऐसे ही बाउचर में कई टाइप, कई सारे बाउचर्स, समथिंग 22 वाउचर्स इसमें पहले से अवेलेबल रहते हैं। यदि हमें कुछ नए वाउचर की ज़रूरत होती है तो हम नया वाउचर यहाँ से जा करके क्रिएट करते हैं, क्रिएट ऑप्शन से जा करके। आप देख पा रहे हैं लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप, तो सारे वाउचर्स यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहे हैं जो पहले से बने हुए हैं। इसमें जो टैली कंपनी बनते ही टैली सॉफ्टवेयर का एक फीचर है, इसमें पहले से ही मेंटेन रहते हैं। तो अब हम चलते हैं, अगर हमें क्रिएट करना है तो हम यहाँ से जा कर के क्रिएट करेंगे। तो अभी हमें वाउचर क्रिएशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम वाउचर को, वाउचर में अपने लेजर्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने जो लेन देन हैं, जो ट्रांजेक्शन्स हैं, उसे हम कैसे वाउचर में लिखते हैं, वो हम आज देखेंगे ट्रांजेक्शन्स मीनू में। ट्रांजेक्शन्स मीनू में हम आते हैं और उस ट्रांजेक्शन्स मीनू के अंतर्गत आप देख पा रहे हैं अकाउंटिंग वाउचर, इस पर हम एंटर करेंगे। वैसे इसका शॉर्टकट है वी, जो रेड कलर में आपको कैरेक्टर दिख रहा है, इस पर हम वी पर क्लिक करें या एंटर कर दें तो आपके सामने एक वाउचर विंडो अवेलेबल होगी। आप देख पा रहे हैं लिस्ट ऑफ लेज़र अकाउंट भी यहाँ पर शो हो रहा है, जो खाते आपने बनाए हैं वो सारे खाते इसमें मिल रहे हैं। तो सबसे कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे आज के, आज 17 जून है तो आज की डेट हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। अगर आप एजुकेशनल मोड यूज़ कर रहे हैं तो आपका डेट चेंज नहीं होगा और सारी चीज़ें उसमें हो जाती हैं, डेट चेंज नहीं होता है। एक रजिस्टर्ड वर्जन में डेट चेंज कर सकते हैं आप। आप देख रहे हैं रिसिप्ट, आपका जो वाउचर ओपन है, ये एक अकाउंटिंग वाउचर है। हमने आपको बताया अकाउंटिंग वाउचर और नॉन अकाउंटिंग वाउचर होते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जैसे आपका कंट्रा वाउचर, या बटन बार में देख पा रहे हैं कंट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जर्नल वाउचर, सेल्स वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर, परचेज वाउचर, डेबिट नोट वाउचर, ये सब आपके अकाउंटिंग वाउचर हैं। नॉन अकाउंटिंग में आपका रिवर्सिंग जर्नल है, मेमो है, पोस्ट डेटेड है एंड ऑप्शनल वाउचर है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं, पहले पार्ट ऑफ विंडो देख लेते हैं। हम मेन विंडो पर हैं वाउचर क्रिएशन के, जिसमें पर्टिकुलर है एक साइड में और एक साइड में डेबिट एंड क्रेडिट है। मैंने आपको पहले पिछली क्लासेज में डेबिट क्रेडिट के बारे में जो बताया था, तो बताया था आपको कि डेबिट लेफ्ट में लिखा जाता है और क्रेडिट राइट में लिखा जाता है। आप देख रहे हैं इधर आपका पर्टिकुलर है, जहां हम आपका लेज़र अकाउंट चुनेंगे यहां पर, और उससे रिलेटेड उसकी जो वैल्यू होगी, अगर डेबिट लेज़र है, डेबिट में है तो हम डेबिट में सबमिट करेंगे और डेबिट में उसकी वैल्यू डालेंगे, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट में करके उसका वैल्यू हम क्रेडिट में डालेंगे। नीचे नरेशंस हैं, नरेशंस में उस जर्नल इंट्रीज़ का जो हम इसमें कर रहे हैं
वाउचर में जिन जनरल एंट्रीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनसे रिलेटेड उनका विवरण हम यहाँ डालते हैं। यहाँ पर आपका उसका जो हम वैल्यू दिए होते हैं दोनों का सब टोटल दिखाता है, डेबिट का बैलेंस टोटल एंड क्रेडिट बैलेंस टोटल। आप जानते हैं कि डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस हमेशा बराबर होता है, ये कम ज़्यादा नहीं होता है। इधर नीचे आप देख सकते हैं इसमें कमांड बटन्स हैं जिसमें आपका क्विट है, डायरेक्टली इस विंडो से बाहर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल क्यू हम प्रेस करेंगे। कंट्रोल क्यू कैसे पता चला कि कंट्रोल क्यू है, जब किसी भी शॉर्टकट के नीचे सिंगल अंडरलाइन आप इधर बटन बार पे या ऊपर आप देख सकते हैं जिस किसी के नीचे किसी कैरेक्टर के नीचे अगर आप सिंगल लाइन देख रहे हैं तो वो अल्ट को शो करता है, अगर किसी कैरेक्टर के नीचे आप डबल लाइन देख रहे हैं तो वो आपके कंट्रोल को शो करता है। जैसे क्विट में है क्यू, नीचे डबल अंडर लाइन है मतलब कंट्रोल, कंट्रोल प्लस क्यू, एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए, डायरेक्टली हम वाउचर को सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए कर दें, हमें एंटर करके एक्सेप्ट कराने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हमें वाउचर को डिलीट करना है तो अल्ट डी करेंगे, जैसे कि चाहे हमें कंपनी डिलीट करना होता है या लेज़र डिलीट करना होता है या फिर वाउचर डिलीट करना है तो डिलीट करने का एक यूनिवर्सल शॉर्टकट है अल्ट प्लस डी। ऐसे ही अगर हमें वाउचर को कैंसिल करना है, कुछ रॉन्ग हो गया है, हम इससे बाहर चेंज हटा करके दूसरा करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम कैंसिल कर सकते हैं इसे। आप बॉटम में देखेंगे आपका स्टेटस बार है जिसमें टैली मेन विंडो, गेटवे ऑफ टैली, उसके अंतर्गत आपका अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन, सबसे बॉटम में आपको देखने को मिलेगा टास्क बार। हम चलते हैं एक, अभी आप देख रहे हैं बैक करके मैं आपको दिखा दूँ, अभी बैलेंस शीट आप देखेंगे तो इसमें आपका कुछ नहीं है। इधर इस साइड में आपको बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज शो करता है, इस साइड में एसेट्स शो करता है, बट अभी कोई भी वैल्यू इसमें अवेलेबल कुछ भी अमाउंट इसमें नहीं डाला गया क्योंकि जब तक हम वाउचर नहीं करेंगे, यदि हमने ओपनिंग बैलेंस डाला होता तो यहाँ पर बैलेंस शो करता। हम चलते हैं यहाँ अकाउंटिंग वाउचर में, रिसिप्ट जो है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट पहली एंट्री क्रेडिट की होती है, तो सबसे फर्स्ट हमें व्यापार स्टार्ट करने के लिए जो हम एंट्री करते हैं, अगर नॉर्मल सा हमने केवल कैश से व्यापार स्टार्ट किया है तो कैश अकाउंट डी आर टू कैपिटल होगा। अगर हमारे पास बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर कैश से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें डेबिट हो जाएंगी और आपका कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, तो सबसे फर्स्ट हम कैपिटल देते हैं यहाँ पर, कैपिटल कैपिटल हो गया, मान लीजिए 10 लाख से हम व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं, हमने यहाँ पर एंटर करा, डी आर में आपका आ गया, तो सबसे फर्स्ट हम बिल्डिंग दे देंगे, बिल्डिंग मान लीजिए 3 लाख की बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग 3 लाख हो गया, जो अमाउंट बचता है वो कैश में बाय डिफ़ॉल्ट आता रहता है, बट हमें अभी बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर ये सारी चीज़ें देनी है, तो मशीनरी में हम डेबिट में, चूँकि ये सारी संपत्तियां व्यापार में आई हुई होती हैं तभी व्यापार स्टार्ट हुआ होता है, तो हम यहाँ पर अपने जर्नल इंट्रीज के हिसाब से हम करेंगे। तो यहाँ पर हम मान लीजिए 2 लाख की मशीनरी हो गई मेरी, हमने 2 लाख इसको दे दिया, बचा 5 लाख, मान लीजिए इसमें हमने फर्नीचर 50,000 का फर्नीचर रखा, हमने यहाँ दे दिया 50,000 और जो बच रहा है वो हमारा कैश हो गया 4 लाख, 50,000 का आपका कैश। आप देख रहे हैं डेबिट का भी बैलेंस 10 लाख है और क्रेडिट का बैलेंस भी 10 लाख है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस बराबर होता है, केवल हम यहाँ एंट्रीज डबल एंट्री सिस्टम में एंट्री को पक्षों में लिखते हैं, तो इसलिए दोनों पक्ष में डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्ष को दिखाया गया इसमें। इस तरह से हम यहाँ नरेशंस देना चाहते हैं, कुछ विवरण देना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं, नॉर्मल सा एक विवरण एक एज एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं, यहाँ हम विवरण लिख दिए, फिर हम एंटर करके एंट्री को एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली कंट्रोल प्लस ए करके एंट्री को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक बार आप फिर से देख लें, रिसिप्ट वाउचर में हम हैं, पर्टिकुलर डेबिट एंड क्रेडिट यहाँ लिख करके आ रहा है, पर्टिकुलर के अंतर्गत क्रेडिट में कैपिटल अकाउंट 10 लाख, डीआर में बिल्डिंग अकाउंट 3 लाख, मशीनरी अकाउंट 2 लाख, फर्नीचर अकाउंट 50,000 एंड कैश अकाउंट 4 लाख 50,000। ये आपको यहाँ ये दिखाई दिया जा रहा है कि व्यापार में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तब व्यापार क्रियान्वित हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, जो ये सारी चीज़ें मिल करके आपकी पूंजी बन रही हैं। इसमें नरेशंस में लिखा गया विंग कंपनी स्टार्टेड बाई, व्यापार कैसे स्टार्ट हुआ, जब बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर और कैश ये सारी चीज़ों से लेकर के व्यापार स्टार्ट हुआ और ये सारी चीज़ें व्यापार की पूंजी हो गई, तो यहाँ हम इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब हमने इसको एक्सेप्ट करा, हम बैक करके चल के देखते हैं बैलेंस शीट में, आप देख पाएंगे कि हमारा लायबिलिटीज़ में 10 लाख कंप्लीट आपका जो कैपिटल है वो शो कर रहा है
और इसमें एसेट्स जो है, एसेट्स मैंने आपको बताया था कि व्यापार में टू टाइप एसेट्स यूज होता है, एक फिक्स्ड और एक करेंट। तो फिक्स्ड एसेट्स वो है जैसे बिल्डिंग, जिसके द्वारा हम व्यापार करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स में आपका बिल्डिंग है, मशीनरी आप चेक करना चाहें आप क्लिक करेंगे बिल्डिंग मशीनरी एंड फर्नीचर, ये आपका फिक्स्ड एसेट्स में आ गया। और जो आपका कैश है वो करेंट एसेट्स में है, चूँकि हम कैश का ही लेन देन करेंगे या माल खरीदेंगे बेचेंगे हम कैश से ही करेंगे। तो ये है आपका बाउचर हम क्रिएट करते हैं। बाउचर्स जो हम बनाते हैं वो डिस्प्ले में जा कर के हम डे बुक पर डे का डिटेल हम डे बुक में चेक करते हैं। यहाँ हम एंटर करें तो अपने हम बाउचर को देख सकते हैं। तो आपने देखा कि हम बाउचर को कैसे, बाउचर विंडो में हम जो जर्नल एंट्रीज होती हैं उसे हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये चीज़ें आपने इसमें देखे। बाद हम अलग अलग टॉपिक्स, जैसे मेरा अगला टॉपिक बिल वाइज डिटेल है, फिर आगे जो भी होगा हम अलग अलग छोटा छोटा टॉपिक करके पढ़ाएंगे, जिससे आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।